आज रैदास की दसवीं श्रृंखला में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिछली बार हमने रैदास के जीवन परिचय के बारे में जाना था और मैंने आपसे कहा था कि दूसरी श्रृंखला में मैं आपको रैदास का पहला पद पढ़ाऊंगी। तो आज मैं रैदास के पहले पद के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। रैदास का पहला पद मैं आपको गाकर सुनाऊंगी। कहा जाता है कि गीत हमारे मन के भावों को आसानी से प्रकट कर सकते हैं और हमें भाषा आसानी से जल्दी से समझ में आ जाती है। तो शुरू करते हैं रैदास का पहला पद। तो यहाँ पे रैदास कैसे कह रहे हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ पे रट का जो अर्थ है वो धुन से लगाया गया है। रैदास कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे, कि उनकी जो धुन है वो छूट नहीं सकती। कैसे छूटे, क्योंकि उनको तो राम नाम रट लागी, उनको तो ईश्वर के नाम की धुन लग चुकी है जो छूट ही नहीं सकती है। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ही ईश्वर, आप चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूँ। चंदन आपने देखा होगा कि वो लकड़ी के रूप में मिलता है, उसे घिसकर हम घरों में मंदिरों में प्रयोग करते हैं, वो एक सुगंधित पदार्थ होता है। तो जब चंदन में पानी में जब चंदन मिलाया जाता है वो पानी सुगंधित हो जाता है। तो वैसे ही कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी, कि जिस प्रकार पानी में चंदन मिलकर उसको महकाता है, तो उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि आपकी भक्ति से मेरा जो मन है वो महक उठे, आपका नाम इस तरह मेरे जीवन में समा जाए कि मेरे शरीर का एक एक अंग आपकी भक्ति से महक उठे। अब यहाँ पे अंग 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 में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश क्यों है, क्योंकि ये दोनों शब्द बार बार इनकी पुनरावृत्ति हो रही है जिसकी वजह से ये प्रकाश में आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि अंग ये दोनों अक्षर बार बार रिपीट होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। उसके बाद कवि कह रहे हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, हे ईश्वर, आप घन बादल के समान हो, जब आप बादल बनकर आओगे, हम मोरा, मोरा का अर्थ यहाँ पे मोर से है, मयूर से है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब आप बादल बनकर आओगे तो मैं मोर की तरह नाचने लगूंगा, मेरा जो मन है वो मोर की तरह नाचने लग जाएगा। जैसे चितवत चंद चकोरा, चंद का अर्थ यहाँ पे थोड़े से नहीं लिया गया है बल्कि चांद से लिया गया है। जैसे चांद को देखकर चकोर नामक पक्षी प्रसन्न हो जाता है, मगन हो जाता है, क्योंकि वो उसको देखकर शीतलता प्राप्त करता है, उसी प्रकार आपके नाम स्मरण से मेरा जो मन है वो शीतलता प्राप्त करता है और मग्न हो जाता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, हे ईश्वर, आप दीपक के समान हो और मैं उसमें जलने वाली बत्ती के समान हूँ। दीपक जो बत्ती को जलने और ठहरने का स्थान देता है, उसे थामे रखता है, तो उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप दीपक हो और मैं बत्ती हूँ, मुझे हर वक्त जलाए रखना, थामे रखना, ताकि मेरे अंदर हमेशा ज्ञान सरोवर रहे, हमेशा भरा रहे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे ही सो नहीं मिलत सुहागा। कि हे ईश्वर, आप मोती के समान हो और मैं धागे के समान हूँ। धागा जब होता है, जब उसे सुई में डाला जाता है और उसमें मोती पराया जाता है तो एक सुंदर माला बनके तैयार हो जाती है, वैसे ही कवि चाहते हैं कि आपकी भक्त नाम की माला उनके जीवन को सुंदर और खूबसूरत बना दे। और जैसे सुहागा नामक जो पदार्थ होता है वो सोने को चमकाता है, वैसे ही कवि चाहते हैं कि ईश्वर का नाम हमेशा उनके जीवन को चमकाता है।
करे रैदासा। तो यहाँ पे रैदास कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ और सदा मैं आपकी ऐसी ही भक्ति करना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कवि ने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ माना है। जैसे आपने देखा है, चंदन है, घन है, दीपक है, मोती है, सोना है, ये सारी चीजें क्या है, श्रेष्ठ है। तो इसीलिए कवि ने ईश्वर को हर हाल में श्रेष्ठ माना है और अपने आप को कवि ने हमेशा निम्न स्थान दिया है और वो वैसी ही भक्ति करना चाहते हैं। अब इसमें देखिए, चित्तवत चंद चकोरा, च च च, जब ये सारे शब्द अक्षर एक बार आते हैं तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। वैसे वेदास को उपमा और रूपक अलंकार बहुत पसंद थे, तो यहाँ पे उन्होंने कई चीजों की उपमाएं ईश्वर के लिए दी हैं, तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी है और यहाँ पे चित्तवत चंद चकोरा, इसमें रूपक अलंकार भी है। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।